मोहम्मद नाम है सही नाम है सही नाम है तारा आधार कार्ड निकाल तारा आधार कार्ड निकाल तारा नाम है तारा आधार कार्ड निकाल मोहम्मद नाम है सही नाम है सही नाम है तारा आधार कार्ड निकाल तारा आधार कार्ड निकाल तारा नाम है तारा आधार कार्ड निकाल निकाल आधार कार्ड निकाल आरोपी है दिनेश कुशवाहा, उसको गिरफ्तार कर लिया है और अभी उनसे पूछताछ जारी है और अभी आगे जो भी उसमें और साक्ष्य या और किसी का इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा तो उसी अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में उसने एक्सेप्ट किया है कि वो वीडियो में जो आदमी दिख रहा है वो वही है और उसके द्वारा जो आदमी आइडेंटिफाई नहीं हुआ था उस कारण से उसके द्वारा मारपीट की गई है। इसके अलावा और क्या इंटेंशन था और वो किस हालत में था, क्या ड्रंक था या कोई और साथ था, इस संबंध में वो अभी पूछताछ की जा रही है, प्रारंभिक स्थिति में पूछताछ, इसलिए बहुत कुछ उसमें बताना अभी संभव नहीं है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति थे और मेंटली बहुत ज़्यादा साउंड भी नहीं थे और इस हालत में वो कई दिन से भटक रहे थे और ऐसी स्थिति में जब उनके साथ उनके ऊपर इतनी ज्यादती हुई है तो संभवतः उनकी मेंटल स्टेट जो है और उससे ख़राब हुई है और उसके बाद और भटकते भटकते जैसा कि अगले दिन दोपहर के अराउंड वहाँ पर पास में ही वहाँ से 500 मीटर दूर वहाँ पर मृत पाए गए थे, तो संभवतः हालत ख़राब होने के बाद खाना पीना भी उनका संभव नहीं हो पाया और हो सकता है इन सभी कॉम्प्लिकेशंस के मिक्स होने के कारण डेथ हुई है और बाकी जो पीएम रिपोर्ट है वो अभी आना शेष है। जैन समाज के व्यक्ति थे वो, बुजुर्ग व्यक्ति थे, भटक गए थे और भटकने के बाद में वो अपना परिचय वगैरह ठीक प्रकार से नहीं बोल पा रहे थे, शब्दों पे कुछ पे अटकते थे वो। घटना घटित हुई, चिन्हित व्यक्ति हो गया है और उस व्यक्ति पर 302 और 304 की धाराओं के अंदर दिनेश कुशवाहा पर प्रकरण रजिस्टर्ड हो गया है।